हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरविंदर बसरा। जैसे कि आप जानते ही हो, मुझे सब निक्की के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपने मुझे समटाइम्स आपने मुझे देखा होगा ललिता भाभी के ब्लॉग में और काकू फैमिली ब्लॉग में। तो आपको जैसे पता ही है कि आप ही लास्ट मंथ मेरे हस्बैंड जैसे दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जाने के बाद तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। जैसे कि जॉब करती हूँ, वैसे तो मैं एडमिन डिपार्टमेंट में मेरी जॉब है, तो मैं काफ़ी टाइम से 3 साल से मैं जॉब पे जा रही थी वैसे तो, पर अभी इनके जाने के बाद थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई है कि कई सारी चीज़ें ऐसी रुक जाती है लाइफ में। तो जहाँ 2 हाथ होते हैं कमाने वाले, वहाँ पे फिर एक रह जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती आती है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार दें, जैसे आपने फैमिली हमारी फैमिली को प्यार दिया, हमारी फैमिली को सपोर्ट करा है। आप मुझे भी सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे थोड़ा सा अपना फाइनेंशियली मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर सकूँ। 2 बजे वैसे ऑफिस चली जाती हूँ, तो शाम को मैं जैसे कि 6:30-7 बजे तक मैं घर पे वापस आ जाती हूँ। और रौनक जैसे सुबह स्कूल चला जाता है 8 बजे, तो वो दोपहर तो को वापस आ जाता है 2 बजे के करीब। तो उसको क्या होता है कि मैं खाना वगैरह सब रेडी करके जाती हूँ इसका, पर भाभी जैसे ललिता भाभी है, इसको गर्म करके दे देती है, खाना वगैरह सब डाल के दे देते हैं। तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। वो बहुत ही मतलब की केयर करती है, मेरी भी करती है, रौनक की भी करती है। तो मुझे उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं रहती कि मैं अपने बेटे को घर छोड़ के आई हूँ। मुझे पता है वो अपनी फैमिली में ही है। तो शाम को जैसे मैं घर पे आती हूँ, तो अपना घर की जो डेली रूटीन होती है वो अपना फॉलो करती हूँ। ये भी स्कूल से आता है, थोड़ा सा अपना खाना वाना खाता है, थोड़ा अपना फ्रेश होता है, तो फिर ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन से आता है 6:30-7 के करीब, तब तक मैं घर आ जाती हूँ। तो हम दोनों अपना अच्छे से टाइम निकाल लेते हैं उस चीज़। जैसे आपने फैमिली ब्लॉग को प्यार दिया है, काकू फैमिली को प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपना प्यार दें और मुझे थोड़ा सा आगे आप सपोर्ट करें। जैसे ये मेरा बेटा, आप इसको जानते हो, रौनक को, तो अभी तो ये स्कूल जाता है, तो आने वाले टाइम पे इसको भी आगे मुझे बढ़ाना है, आगे पढ़ाना लिखाना है। तो अकेले सब कुछ चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको भी ये चीज़ पता है। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट करिए। जैसे आपने सबको प्यार दिया है, हमारी पूरी फैमिली को प्यार दिया है, आप मुझे भी प्यार दीजिए, ताकि मेरे को आगे जाके किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो और आगे मैं थोड़ा ग्रो कर पाऊँ आपके प्यार से और आपकी मदद से। तो गाइस, चाची ने भी ब्लॉग स्टार्ट करा है। जैसे आपने हमें प्यार दिया है, मतलब मम्मा को दिया है, मुझे दिया है, गोल्डी चाचू को प्यार दिया है, तो प्लीज चाची को भी वैसे ही दे, ताकि चेरी को भी आगे बहुत सपोर्ट हो पाए और जितना हो सके उतना प्यार दे। चाची कोशिश करिए आपको नई नई चीजें दिखाने की, घर में तो इतना नहीं बन पाता जैसे हम, मम्मा घर का बनाती है और चाची तो बाहर भी जाती है, वो बाहर का भी ज्यादा दिखा देंगी, चेरी की भी दिखा देंगी, क्योंकि चेरी के जितने जितने बच्चे होंगे चेरी उनको अपनी चीजें बताएगा, तो बहुत चीजें रिलेट हो पाएंगी। तो मैं बस ये बोलूंगी जितना हो सके उतना प्यार दें। आपको पता है अभी चीजें बहुत खराब हुई हैं, तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत बंदा मतलब कि किसी भी तरह की ऊंचाइयां छू सकता है। मैं हो गई, मम्मा कभी हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना आगे जाएंगे, मैं हो गई या कोई भी हो गया। तो प्लीज गाइस, जितना हो सके आप सपोर्ट दें और जितने ब्लॉग्स आते रहेंगे जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछी को देखिए, ये ललिता भाभी अभी बाहर गई है, तो ये जब तक वो वापस नहीं आएंगे ये यहीं बैठी रहेगी। और ललिता भाभी जब चंडीगढ़ जाते हैं तो ये रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक भी यहीं बैठी रहती है और इंतज़ार करती रहती है, और पीछे से हमें बहुत परेशान करती है। इसको बोल बोल के इसको अंदर करना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। तो इसका अभी यही हाल है कि ये यहीं बैठी रहेगी जब तक भाभी वापस नहीं आएगी, तो ये इंतज़ार करती रहती है हमेशा। कोको है वो अंदर आराम से सो रही है, पर इसको भाभी का बहुत इंतज़ार रहता है। तो गाइस, अभी टाइम बहुत लेट हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। मम्मी ने खाना बनाया नहीं था, तो अभी मम्मी बैंगन बना रही है, बैंगन का भरता बना रही है। गाइस, रौनक को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। अभी मुझे उसने बोला सुबह कि मम्मी आप क्या बनाओगे रात को खाने में, तो मैंने उसको ये बोल दिया कि मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। पर अभी क्या चीज़ है कि खाना बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि मैं मार्केट से जाकर लेकर आई हूँ, 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं। तो करते करते मुझे 10:30-11 हो जाएंगे खाना तैयार करते करते, क्योंकि अभी तो मैं इसको कर रही हूँ। तो गाइस, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।